कश्मीर के शोपिया से मेरे साथ एक 12th क्लास के स्टूडेंट इस लाइन में ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि जिस आंखों से पूरी तरह देख नहीं पाते हैं, और इनका कहना है कि जो भी लोग किसी ना किसी तरह से स्पेशली एबल्ड होते हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी आती है। जैसे इंक्वायरी, इन्होंने मेडिकल स्ट्रीम ऑप्ट किया और उसके बाद बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने इन्हें एडमिशन नहीं दी, इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो चलिए इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आप कुछ परेशानी आई जी, अपना पूरा नाम बताइएगा। जी थैंक यू मैम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू हैव टू कोऑपरेट विद मी। जी मैम, मेरा नाम है रास्तिक, मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान से बिलोंग करता हूँ। जी बताएं। इस वक्त मैं साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में प्रेजेंट हूँ मैम। वहाँ की एक कोचिंग सेंटर की मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा पूरी समाज को, जो मच मोर कोऑपरेटिव फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या कोई भी डिसेबल है उनके साथ बहुत कोऑपरेटिव है। ये मैम मेरी तरफ से एक मैसेज है पूरी कौम को जो किसी के साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे, और ये वाहिद एक एकेडमी है जिन्होंने मुझे एडमिशन दिया और मुझे इंडिविजुअली ये क्लास में एक्सेप्ट कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा फील नहीं होने दे रहे कि वी हैव एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। क्या नाम है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिसने आपको कोऑपरेट किया, और एक वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने आपको एडमिशन दिया वहां पे अलो किया? जी जी मैम, इस कोचिंग सेंटर का नाम है जीनियस एकेडमी पुलवामा। जो अच्छा, तो आप रोज पुलवामा में आते हैं, तो आप जैसे आप पूरी तरह से देख नहीं पाते हैं तो कैसे ये पढ़ाते हैं आपको, क्या कैसे हो पाता है? जी मैम, ये मुझे बोर्ड पे डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहे, ये मुझे इंडिविजुअली ये यानी कि ये मेरे लिए रफ यूज कर रहे और एक्स्ट्रा टाइम मेरे लिए ये निकाल रहे और मेरे साथ इसी तरह कोऑपरेट कर रहे, और जो लार्ज साइज में मेरे कॉपी पे नोट कर देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो जो स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं किसी ना किसी, जैसे कोई देख नहीं सकता है, प्रॉपरली चल नहीं पाता है, तो क्या चैलेंजेस उन्हें झेलने पड़ते हैं अक्सर? मैम उनको यही चैलेंजेस, पहले उनको कोई भी इतना कोऑपरेटिव नहीं होता है। अगर पेरेंट्स की बात करें और कोई मिडिल क्लास फैमिली का होता है मैम, खाली उनके पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है और वो पूरी हद तक नहीं होता है मैम। अगर मैं बात करूँ, मैं जीनियस अकेडमी का पूरा शुक्रगुजार हूँ, ये मुझे पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं, ये मुझे यानी कि अपने क्लास में एंटर कर रहे हैं, इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं मैम। जो इस एकेडमी के फाउंडर है मिस्टर इंजीनियर फैसल गुलजार, वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, यहाँ तक कि मुझे पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं, जो यानी कि मुझे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का भी बहुत इनका मेरे तो साथ। आप बेसिकली लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? मैम ये मेरी एक इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई स्कूल कोऑपरेट करना चाहता है, अगर उनके पास कोई भी डिसेबल आएगा, किसी भी तरह की उनको डिसेबिलिटी हो, उनको नेग्लेक्ट ना करे, जैसे कि जीनियस एकेडमी है। अब आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैम माय एम इन लाइफ इज बिकम टू अ डॉक्टर दैट आई कैन क्यूर दोज चिल्ड्रन व्हिच आर फिजिकली डिसेबल। ओके ग्रेट, तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत नेक ख्याल है आपका, उम्मीद है कि आपका ये सपना पूरा हो, और उस इंस्टीट्यूट का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम जिसने इस तरह के बच्चों को, स्पेशली एबल्ड बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं। तो आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? जी लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के जो डिप्टी कमिश्नर है और यहाँ के जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, जितना भी हो सके ये ऐसे एक डिसेबल को के साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, इनको टोकन ऑफ लव दिया जाए, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट दिया जाए, उनको जितना भी इनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है मैम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रास्तिक हमारे साथ शोपियां से जो ताल्लुक रखते हैं, फिलहाल पुलवामा में है, उनका कहना था कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने इन्हें नहीं अलो किया कि ये वहां पर पढ़ सकें, और एक ही इंस्टीट्यूट ने अलो किया, और जरूरत है कि तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस तरह के स्पेशली एबल्ड बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो जिंदगी में कुछ बन पाए। फिलहाल